नमस्कार, मायसेल्फ डॉक्टर कमला आर नागर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ अंग तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय लेक्चर फॉर बीएएमएस थर्ड ईयर अंग तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं, अंग तंत्र आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी को कहते हैं। अंग तंत्र में विभिन्न प्रकार के विष, उनके लक्षण, उनको पहचानना, उनके विषाक्रांत के लक्षण, विष की चिकित्सा, पोस्टमार्टम में कैसा अपीयरेंस मिलेगा, इस संदर्भ में वार्ता की जाती है। सुषुप्त संहिता में जो कल्प स्थान है वो पूर्णतया अंग तंत्र काज में विस्तृत एवं व्यावहारिक रूप से वर्णन मिलता है। इसी प्रकार चरक चिकित्सा के 23वें अध्याय में अंग तंत्र के बारे में सम्यक वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होती है। इस कड़ी में हम आज बात करेंगे कुछ स्थावर वानस्पतिक विषयों की। इस संदर्भ में हम बात करेंगे अभुंजा या रत्ती की विषाक्तता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अभुंजा या रत्ती प्राचीन काल में सुनारों के द्वारा तोलने के लिए काम में ली जाती थी, क्योंकि उस वक्त माप के लिए कोई बहुत ज्यादा साधक प्रचलन में नहीं थे। तो क्योंकि एक गुंजा या एक रत्ती का वजन 125 mg होता है, तो उस आधार पर रत्ती के आधार पर सोने को तोला जाता था। आयुर्वेद में जो गुंजा है ये बहुत ही उपयोगी औषध के तौर पर काम में लिया जाता है, लेकिन अगर इसके मात्रा से अधिक सेवन कर लिया जाए तो यह विषाक्त प्रभाव परिलक्षित इसके द्वारा शरीर में होते हैं। तो जो गुंजा है उसका लेटिन नेम है Aptus pipetarius, family is Euphorbiaceae, English name is Indian licorice root, गुंजा को एब्रिन भी कहा जाता है, संस्कृत नाम में काकरंथी शिखंडी, हिंदी नाम रत्ती दुदूची। जो आयुर्वेद में है इसका स्थावर वानस्पतिक विषयों में वर्णन किया जा रहा है, और मॉडर्न में इरिटेबल या इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन। उसका जो स्वरूप होता है उसकी अनेक शाखायुक्त गुल्मवत लता होती है, पत्र इमली के जैसे समपक्षवत 2 से 3 इंच लंबे होते हैं, पत्र संख्या में 20 से 40, 0.3 से 0.7 इंच लंबे चिकने होते हैं, पुष्प 1 से 3 इंच लंबी सघन मंजरियों में गुलाबी या नीले रंग के होते हैं। इसकी जो शिम्बी या जो पोड होती है वो 1 से 1.5 इंच लंबी आधा इंच चौड़ी होती है, जिसमें 3 से 6 चमकीले रक्त वर्ण के कृष्ण नेत्रयुक्त कभी कभी श्वेत वर्ण के मटर के सदृश बीज होते हैं। मूल और पत्र में मुलैठी के सदृश मिठास होती है, इसलिए इसे इंडियन लिकोराइस फूड कहते हैं। शरद काल में पुष्प आते हैं और शीतकाल में इसके फल पकते हैं। तो यह जो गुंजा है या रत्ती है इसका स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसका जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो होते हैं इसके बीज या सीड्स। तो सीड्स का कलर होता है वो है रेड विद ब्लैक स्पॉट ऑन वन पोल, शेप में ओवल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, अपीयरेंस में जैसे छोटे छोटे मटर हो। जो वजन होता है एक रत्ती का 125 mg होता है। गुंजा की जो सूची बनाई जाती है वो पाउडर ऑफ गुंजा प्लस धतूरा प्लस अनियन प्लस ओपियम टेस्टेड विद स्पिरिट टू मेक फाइन सूची लाइक नीडल विच यूज जनरली एज ए कैटल पॉइजन। मूल रूप से कैटल पॉइजनिंग के तौर पे इसका प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था। जो एक्टिव प्रिंसिपल है सीड्स में वो है एब्रिन। It is toxoalbumin and resemble to viperin venin in its action. Poisonous protein, fat splitting enzyme, abrusic acid, hemagglutinin और urease। ये इसके active principle हैं जो इसके बीजों में पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक रस पंचक जो उसका वर्णित है वो इस प्रकार है। इसका रस तिक्त एवं कषाय, गुण लघु रूक्ष तीक्ष्ण, विपाक इसका कठिन है, वीर्य इसका उष्ण है। आयुर्वेद में गुंजा बीज के चूर्ण को खाने के बाद उष्ण वीर्य
कटु विपाक तथा कटु रस के अधिक तिक्त रस के आधिक्य से पित्त की विकृति होती है, जिससे अन्वय स्रोत प्रभावित होता है, उसमें शोक उत्पन्न हो जाता है। मांस कट देने से तीक्ष्ण स्वभाव की वजह से रक्त और मांस की पुष्टि होती है। गुंजा विश्व मॉडर्न के अनुसार इट कॉजेज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी आफ्टर इंजेशन ऑफ क्रश्ड सीड्स। इरिटेशन इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ स्किन प्लस मसल विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर लोकल इंजेक्शन। जिसके फैटल डोज है वो है इंजेक्शन एवरी 90 to 120 mg IM और subcutaneous और IV। गुंजा सूची में 1 to 2 बीज का प्रयोग किया जाता है। ओरली इसके लक्षण अनसर्टेन है। फैटल पीरियड जो उसका होता है 3 to 4 दिन होता है। इंजेक्शन एब्रिन या गुंजा सूची मांस पर देने से IM देने से विषाक्तता क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वो इस प्रकार है। क्लिनिकल फीचर्स आफ्टर एब्रिन पॉइजनिंग इंजेक्शन एब्रिन और गुंजा सूची गिवन बाय पेरेंटल रूट देन इट कॉजेस रेडनेस पेनफुल इंफ्लेमेशन स्वेलिंग ऊजिंग नेक्रोसिस एट वुंड साइट वॉमिटिंग जनरल प्रोस्ट्रेशन फैंटनेस एंड वर्टिगो कन्वर्जेंस विच प्रोसीज्ड डेथ फ्रॉम कार्डियक फेलियर। गुंजा पाउडर या बीज खाने से जो विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न होते हैं वो निम्न प्रकार है। फ्रेश गुंजा बीज और पाउडर इफ टेकन ओरली देन बर्निंग सेंसेशन इन माउथ थ्रॉट चेस्ट एंड एपिगेस्टिक रीजन एक्सेसिव सलाइवेशन नौशिया एंड वॉमिटिंग पेन एंड क्रैम्प्स इन एब्डोमन वॉटरी पर्गेशन sometimes with blood stain and mucus, excessive thirst, oligouria and urea, differential diagnosis of injection abrin and piperoid. इसके features हैं वो इस प्रकार हैं। तो history मिलती है patient में injection abrin या गुंजा सूची की history मिलती है, जबकि snack wiper snack के bite में wiper bite होता है। fang marks या bite marks जो होते हैं एब्रीन में नहीं होते, लेकिन वाइपर बाइट में टू फैंग मार्क इज सीन एट द साइट ऑफ बाइट। लोकल हेमरेजिंग उचिंग एब्रीन में माइल्ड होती है, वाइपर बाइट सीवियर होती है। उजिंग कोगुलेबल होती है, वाइपर बाइट में इनकोगुलेबल होती है। पीटी या पीटीटी एवरेज वाइपर बाइट में इंक्रीज हो जाती है। सिस्टेमिक ब्लीडिंग इसमें एब्रीन में नहीं होती है, लेकिन वाइपर बाइट में ऑफन बहुत ज़्यादा हो सकती है। सब कंजेक्टिवल ब्लीडिंग एब्रीन में नहीं होती है, वाइपर बाइट में कभी कभी मिल सकती है। इंजेक्शन एब्रीन या गुंजा सूची की विषाक्तता की चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद के अनुसार रिमूव गुंजा सूची और देन डू व्रण चिकित्सा। सुश्रुत के अनुसार गुंजा सूची को तुरंत निकालें और व्रण चिकित्सा का पालन करें। मॉडर्न के अनुसार रिमूव गुंजा सूची वुंड केयर एंटीडॉट एंड इंजेक्शन एंटी एब्रिन 1 ampoule SOS। तो इस प्रकार से गुंजा सूची की चिकित्सा इस प्रकार कही गई है। अब गुंजा सेवन से जो विषाक्तता होती है ओवरऑल सिस्टेमिक, उसमें हम क्या चिकित्सा देंगे वो निम्न प्रकार है। संजीवनी चिकित्सा जरूरत के हिसाब से दी जाती है पेशेंट की स्थिति के अनुसार। जो रिमूवल ऑफ अनऑब्जर्व्ड पॉइजन या अनअवशोषित विष का निर्धारण है, मतलब पेशेंट कॉन्शियस है, वाइटल है, ओरिएंटेड है, तो टॉर्सिमेसिस या सद्यवमन कराया जाता है, जिसके लिए आयुर्वेद में मधुयष्टि का क्वाथ या अकंठ लवण जल का सेवन कराया जाता है। लेकिन पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, डिसओरिएंटेड है, तो उस स्थिति में अमाशय धावन या गैस्ट्रिक लवाज कराया जाता है। शोधित विष, क्योंकि विष शरीर में शोषित नहीं होता है, तो निकल जाता है।
प्रतिनिष्ठ जुकाम में लिया जाता है, यांत्रिक तौर पे गोघृत या गोदूध। आयुर्वेद में तो स्पेसिफिक गुंजा बीज की चिकित्सा बताई गई है, उसमें चौलाई स्वरस को चीनी के साथ दिया जाता है या केवल दुग्ध पान का सेवन कराया जाता है। स्पेसिफिकली मॉडर्न में जो चिकित्सा है वो एंटी एवरीन चिकित्सा की जाती है। लक्षण चिकित्सा, अगर दाह है तो धान्य घिन का सेवन कराया जाता है, उदर शूल है तो कोलिक्वार्मिन सिरप का सेवन कराया जाएगा। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है क्योंकि पित्त की विकृति हुई है तो षडंग पानी, शीत श्रुति जल, धान्य घिन या इंगर लैक्टेट सलाइन या ORS का सेवन उस स्थिति में कराया जाता है। जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस मिलती है गुंजा बीज से जो पीड़ित है उसमें एक्सटर्नल में इंजेक्टेड पॉइजन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पूजिंग, इकाइमोसिस, वुंड, नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। इंजेस्टेड पॉइजन इज नॉट स्पेसिफिक, इंटरनली नॉट स्पेसिफिक। इंजेस्टेड पॉइजन में इन्फ्लेमेशन एंड कंजेशन विद इरोजन एंड सब म्यूकस हेमरेज इन GIT, फ्रेगमेंट्स ऑफ सीड रेसिड्यू मे बी फाउंड इन स्टमक। जो केमिकल एनालिसिस किया जाता है कॉमन विसरा के लिए स्टमक होल लिया जाएगा। स्टमक कुछ कंटेन 100 ml प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन 200 cm। B2 में लीवर इज हाफ kg लिया जाएगा, स्प्लीन हाफ, किडनी हाफ है। स्पेसिफिक विसरा उसे की V3 कहा जाएगा, उसमें स्किन ली जाएगी, इंजेक्टेड पॉइजन जहाँ पॉइजन को इंजेक्ट किया गया है वहाँ की स्किन को लिया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव काम में लिया जाएगा, दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। मेडिको लीगल केस में मे भी एक्सीडेंटल हो सकता है। केसेस अकर अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम ईटिंग द सीड्स। सुसाइडल इट इज नियरली नॉट पॉसिबल। होमोसीडल जनरली नॉट फाउंड। कैटल पॉइजन, गुंजा सूची हैव बीन यूज्ड एज कैटल पॉइजन। तो गुंजा बीज है क्योंकि ये विषाक्त है, इसलिए इसका शोधन करना अत्यंत आवश्यक है। गुंजा बीज के शोधन के लिए दूध में एक प्रहर तक इसको उबालना चाहिए, उसके बाद इसको निकाल कर घर रख लेना चाहिए। क्योंकि गुंजा आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी औषध है, इसके जो योग हैं वो इस प्रकार है, गुंजा तेल, गुंजा वद्र रस। आयुर्वेद में इसका गुण दोषों का विस्तृत प्रकार से वर्णन जो किया गया है इस प्रकार है। धन्वंतरी निघंटु के अनुसार मूलम तु मधुरम तिक्त मुख शोष हरम परम, मुख पाक हरम पत्रम सर्व श्वेता भवम शुभम, गुंजा द्वय चीतो उष्ण बीजम वांति करम शिफा, शूल अग्नि विष्कृत पत्रम वशे श्वेता प्रशस्यते। इस प्रकार से गुंजा के दोष गुण दोषों का आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। गुंजा अत्यंत काम की औषध है, अगर मुंह में छाले हो जाए तो औषध के तौर पे हम गुंजा की जो पत्तियां हैं उनको मुंह में चबाने से छालों का शमन होता है। एक ही वृक्ष में उपयोगी और अनुपयोगी या विष या अमृत दोनों ही प्राप्त होते हैं। जो गुंजा के बीज हैं वो विषाक्त हैं, लेकिन उसकी मूल, उसके पत्ते औषधि प्रयोग में बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं। तो गुंजा की विषाक्तता एक्सीडेंटल बच्चों में हो सकती है, लेकिन सुसाइडर के तौर पे आमतौर पे देखा गया है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल पॉइजन नहीं है, सुसाइडल के लिए श्रेष्ठ पॉइजन नहीं है। इसके जो मिलते हैं हमें सामान्य लक्षण, उसकी चिकित्सा का वर्णन हमने इसमें किया गया है। तो इस प्रकार गुंजा औषधीय प्रयोगों को समेटे हुए एक विष में, बीज के विष में इसकी, फल विष में इसकी गणना की गई है। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने गुंजा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको इसमें उपयोगी लगा होगा। अगले सेशन में हम अन्य प्रकार के स्थावर वानस्पतिक विषयों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।